हुकूमत 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से आई अपोजिशन इकट्ठी हुई इस बात पर कि ये जो तमाम का तमाम इलेक्शन है ये इलेक्शन उन्हें हरवाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली के साथ जितवा कर हुकूमत में लाया गया। सबसे आगे थे मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फेक के रहनुमा और फौरी तौर पर वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से पार्लियामान में ही जमाते ना जाएँ, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले आई जिसने कहा कि पार्लियामान में जाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम नून है, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने भी ये किया और फिर खुद जमीयत उलमा इस्लाम फेक के रहनुमा भी पार्लियामान पहुँच गए और पार्लियामान का आगाज हो गया। एक साल गुजरा, फिर यह कहा गया कि अब साल गुजरने के बाद इस हुकूमत को हटाया जाना है और मार्च होगा, धरना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी लेकिन तमाम सियासी जमातें इकट्ठे ना हो पाई, मामलात आगे बढ़ते रहे और अक्टूबर का वक्त दे दिया गया JUIF की जानिब से। लेकिन अब अक्टूबर के वक्त के साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक क्लियर स्टांस लिए हुए है कि किसी भी तरह से मजहबी मामलात को लेकर पार्लियामान को में तहलील करने या हुकूमत को हटाने के मामलात नहीं होंगे, वो इसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से कल ये बयान, जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये हुक्म दिया है कि मौलाना फजल रहमान के साथ दिया जाए और हर उस तहरीक का हम हिस्सा होंगे जो हुकूमत के खात्मे की तहरीक होगी, नए इंतखाबात तक के लिए ये हम मामला चलाएँगे। लेकिन ये मामला अक्टूबर, क्योंकि रबीउल अव्वल है, इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए नवंबर तक। और आज जो खबर सामने आ रही है कि नून लीग को फाल करने के लिए भी वक्त दरकार है, इसलिए अक्टूबर में ये धरना मुमकिन नहीं है। तो क्या अब ये धरना जिसकी तैयारी मौलाना फजल रहमान करके बैठे थे वो अब फिर आगे एक महीना गुजर जाएगा या फिर इस तमाम तर अमल में हुकूमत जो है वो किसी तरह से मुनकसम कर लेंगी, हम इस पर बात करेंगे। सबसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात है, दीगर रफका उनके साथ है। शहजाद अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, मुलाकात से क्या खबरें सामने आ रही हैं, क्या फैसले होने जा रहे हैं और कब तक तवक्को है कि मीडिया को ब्रीफ किया जाए इस बारे में? अच्छा, ये अब एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम नून वो भी नज़र आ रहे हैं जी, कुछ देर में मीडिया टॉक की जाएगी। शेरी रहमान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो मौजूद है। शहजाद जी, बिल्कुल, शेरी रहमान और एहसन इकबाल, मुस्तफा नवाज खोकर जो और मरियम औरंगजेब जो है, दोनों जमातों की जानिब से रहनुमा जो है वो इस वक्त डायस पर पहुंच चुके हैं और बस टाइस शुरू होने वाली है जिसमें जो है वो आज की मीटिंग के हवाले से जो है वो आगाह किया जाएगा कि आज की मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए। मीटिंग के हवाले से जो जराये ने हमें बताया है वो ये बातें, ये जो मजहबी कार्ड वाली बात है, मजहबी कार्ड के हवाले से आज भी जो है वो दोनों जमातों की तरफ से शदीद तहफात हैं, क्योंकि दोनों जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो आजादी मार्च में जो है वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे और ये मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी दोनों जमातें जो है वो इस मजहबी कार्ड से दूर रहना चाहती हैं। इसी वजह से इन्होंने आज भी मुशावरत की और इस जो मीटिंग थी इसमें जो है APC के हवाले से भी जो है वो मुशावरत की गई है कि APC का एक इजलास बुलाया जाए जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातों को मदू किया जाएगा। बात करें इस वक्त जो सूरत हाल है कि दोनों जमातें इकट्ठी हैं लेकिन अभी फैसला होना बहरहाल बाकी है। फैसल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ न्यूज ऑफिसर, सीनियर एंकर पर्सनल तर्जियाकार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल पर बात करेंगे। फैसल साहब, ब्रेक मुझे लेना है, मैं क्विकली आपसे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपको लग रहा है अभी चीजें बहुत ज्यादा बेबी से हैं? असल में क्लियरिटी नहीं थी, असल इंतज़ार इस बात का था कि जो आज़ादी मार्च है उसकी तारीख क्या होगी और तमाम की तमाम अपोजिशन जमातें साथ होंगी या नहीं होंगी, तो उसके ऊपर कल फिर इजलास होगा, कल फिर जाके मीटिंग होगी, बिलावल साहब मिलेंगे फजल रहमान साहब से, मुस्लिम लीग नून के वफ्स अलग जाके मिलेगा और ये कहा जा रहा है जो दोनों रहनुमाओं ने कहा कि कोशिश ये है कि सारी जमातों के दरमियान इत्तेहाद रहे और सब मुत्तहिद होके एक लाहे अमल बना के आगे बढ़ें, तो ये कंक्लूजन है। तो इस किसी चीज़ का इंतजार था, इसलिए ये कहा जाए कि अपोजिशन अभी मुत्तहिद नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो एक तरफा फैसला ना कर दें। पीपल्स पार्टी के पास क्या इस वक्त ग्राउंड्स के ऊपर मौजूद है? मुस्लिम लीग नून के पास तो अपनी पार्टी को फाउल करना है, उनके पास लीडरशिप नहीं है, दोनों पार्टीज़
केसेस फेस कर रही हैं, लीडरशिप के कोर्ट्स में खड़ा होना पड़ता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फिर रबी अव्वल का महीना सामने है, तो ये धरना जो है वो एक दिन का होगा, दो दिन का होगा, या अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा, गवर्नमेंट गिराने के लिए होगा? तो बहुत कन्फ्यूजन है अपोजिशन। अच्छा, इस पर हम बात करते हैं कि अपोजिशन जो है तो है, लेकिन क्या इकट्ठे होना, क्योंकि उनके लीडरशिप इस वक्त जेलों में है, तो एग्रेसिवनेस होगी या नहीं होगी? अपोजिशन जमातें तमाम इकट्ठी हो रही हैं और शोर इस बात का उठ रहा है कि अब एहतजाज किस तरह से होगा। दूसरी जानब सिंध असम्बली में भी इस वक्त शोर शराबा हो रहा है और आज सिंध के हवाले से एक बिल के पेश होने का, नए सूबे के हवाले से पेश होने का भी मामला था और वजीर आला सिंध खुद भी यहां पर मौजूद हैं और पानी नमलन के करे, गर्मी नमलन के करे वे मानू शहीद थी गया। उन वक्त उतना तकरीबन 50 मानू अरेस्ट किया गया, 50 मानू मां के एक मानू वट पे। असेंबली के इजलास के आज भी गर्मा गर्मी देखने में आ रही है अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान। फैसल अजीज साहब, आप बात कर रहे थे कि अभी कन्फ्यूजन का है मामला, लेकिन ये तो आप नहीं समझते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मामला कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब हो रहे थे कि जी अक्टूबर की डेडलाइन दे रहे थे, अब वो जमातें इकट्ठी खुद जा रही हैं। कल मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की भी है, कल मुलाकात बिलावल साहब की भी है, उनको कायल किया जाए कि थोड़ा वक्त हो, पूरे के पूरी अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया जाए। और वो जो एक लफ्ज़ है कि मजहबी मामलात, मजहबी कार्ड के हवाले से जो तहफ़ुज़ात हैं दोनों जमातों को, उससे भी चीज़ों को हटाया जाए, तो फिर तो एक एग्रेसिव अप्रोच होगी अपोजिशन की हुकूमत के ख़िलाफ़। देखिए, फैक्ट्स की बात करते हैं, विशेष को थोड़ा दूर रखते हैं। विशेष ये हैं कि अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि एक भरपूर एहतजाज हो और ऐसा भरपूर एहतजाज हो जिसकी बदौलत हुकूमत चली जाए और एक फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं। उनका टारगेट ये है, उनकी ख्वाहिश ये है। ग्राउंड पे रियलिटीज़ कुछ डिफरेंट हैं। ग्राउंड पे रियलिटीज़ ये हैं कि ये तीनों जमातें जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या क्या किया है, एक दूसरे के साथ जो इन्होंने किया है उसकी वजह से इनके लीडरान जेलों में पड़े हैं और नैब के केसेस की वजह से, और बहुत सारे लीडरानों ने भी जेल जाना है, बड़ी तादाद के अंदर उनकी गिरफ्तारियां होनी है, सिंध में भी होनी है, वफाक में भी होनी है, केसेस चल रहे हैं और हर दूसरे दिन जो है वो नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होता है, वो 5-6 नाम दे देते हैं। वजीर आला सिंध की, वजीर आला सिंध की वो अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि बिलावल ने कह दिया है मैं जो है वो सीएम रहूंगा, जेल से भी रहूंगा। और जिस तरह की वो मीटिंग कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ही सिंध के अंदर तो ना ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है ना मिनिस्ट्री काम कर रही है, बहुत ही प्रेशर के अंदर है। ऐसी सारी सूरत हाल में जब दो बड़ी पार्टीज के साथ ये हो रहा हो, वो तीसरी पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अपनी शिकस्त की वजह से बहुत गुस्से में है, वो अपन को जो शिकस्त हुई है उस पर बहुत गुस्से में, ये तीनों जमातें और इनके साथ फिर अब सेकंड टीयर की जो जमातें हैं, वो जो लीडरान जो हार गए हैं, वो बाहर बैठे हैं, वो तमाम चीज़ें, वो सारे लोग एक जगह पर जमा हो जाएँ और एक नुक्ते पर जमा हो, एक डेट पर निकलें और धरना दें, और उसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी आएँ। मुस्लिम लीग नून के कारकुन कौन लेकर आएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आए, उन्हें कौन लेकर आएगा इस्लामाबाद के अंदर? उनकी क्यादत लेकर आएगी, क्यादत कहाँ है, मतलब कौन लीड कौन करेगा? ये बहुत सारे ऐसी कंफ्यूजन है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बिलावल ये कह रहे हैं कि मजहबी कार्ड ना खेला जाए, मौलाना फजलुर रहमान मजहबी कार्ड के अलावा कौन सा कार्ड खेलेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कौन सा कार्ड है? इस वक्त जो उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है कश्मीर कमेटी के, एक बार नहीं कई बार वो सरबरा रहे हैं और जो कश्मीर के लिए उन्होंने कहते रहे करते रहे, लोग उसके ऊपर जो है वो शोर मचा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है।